हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पकोड़े। मानसून का महीना हो और पकोड़े ना बने, बहुत ही क्रिस्पी और करारी ये पकोड़े आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा। बेहद ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार बनती है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 पीस बड़े साइज के प्याज को इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लीजिएगा। और इसके जो लेयर्स हैं, इस तरीके से आप हाथों से क्रश करेंगे ना, तो इस तरीके से लेयर खुलते हुए चले जाएंगे। तो पतले पतले स्लाइस में कट कर लीजिएगा और इस तरीके से हमें क्रश कर लेना है, ताकि सभी लेयर अच्छे से खुल करके बाहर निकल आए। तो इस तरीके से जरूर से कट करके रखिएगा, एक भी बचा नहीं रहना चाहिए। बस इस तरीके से हाथों से कीजिएगा प्रेस ना, बस इस तरीके से ये खुल जाएगी। तो हमें सभी जितने भी हैं इस तरीके से हमें कर लेने हैं। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपके जो है ना क्रिस्पी और करारे बहुत ज्यादा बनेंगे। तो चलिए हम एक प्लेट में पहले हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बड़े प्लेट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक बड़ा सा प्लेट लीजिएगा, उसमें आप इसे ट्रांसफर कर लीजिएगा और जो भी बचा हुआ है इस तरीके से हाथों से इस तरीके से लेयर को खोल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे अब हमने इसे इस तरीके से कर लिया। अब चलिए अब हम इसे चटपटा बनाएंगे, तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर डाल दीजिए, इसका कलर बढ़िया सा आने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। तीखा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर आधा चम्मच मिर्च पाउडर डालिए और जीरा पाउडर डाल देते हैं 1/2 टीस्पून। और अब इसमें डाल दीजिएगा धनिया पाउडर आधा चम्मच, बस इतना ही डालना है। और अब हम थोड़े से इसे हम ना और भी चटपटा और चटाकेदार बनाएंगे, तो इसके लिए आप डाल दीजिए थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। गरम मसाला पाउडर डाल दीजिएगा, काली मिर्च का पाउडर डालिएगा और थोड़ा सा यहाँ पर डाल देते हैं अजवाइन, अजवाइन से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च कट करके, मैंने 2 पीस हरी मिर्च ली है, और फ्रेश धनिया की पत्ती डाल दीजिए, इससे ना बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो सभी मसाले मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसे हमें क्रिस्पी और करारे बनाने हैं ना, तो यहाँ पर डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच अब कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनता है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं हो तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर नमक ऐड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप नमक ऐड कर दोगे ना, तो यहाँ पर पानी निकलना शुरू हो जाएगा, प्याज अपना पानी रिलीज करने लगेगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पानी ये नमक नहीं डालना है। तो चलिए सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स मैंने कर दिया है। तो इसमें चाट मसाला वगैरह भी आप डाल दीजिएगा, इसे आप अपने अकॉर्डिंग ना चटपटा आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर देखिए, 4 पीस मैंने बॉयल किया हुआ आलू लिया है, ठंडे हो गए थे, उसके बाद इसके लेयर को मैंने निकाल लिया और फॉक से इसे इस तरीके से मैं मैश कर रही हूँ। तो सभी चीजें अच्छे से, बिल्कुल चंक्स नहीं होने चाहिए। तो अब हम इसमें ना कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, तो इसमें हम ज्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सभी मसाले ना प्याज में ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। तो नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और डाल दीजिए मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाल दीजिए जीरा पाउडर, बस थोड़ा ही थोड़ा हमें डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर थोड़ा चाट मसाला डाल दीजिएगा तो चटपटा स्वाद आएगा। अब इसमें फ्लेवर के लिए यहाँ पर धनिया की पत्ती डाल दीजिए, इससे अच्छे से टेस्ट आएगा। गरम मसाला पाउडर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। तो चलिए अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये रेसिपी ना बहुत मजेदार बनेगी फ्रेंड्स, आपको जरूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए अब आलूओं में अच्छी सी इसकी जो है स्टफिंग, ये बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल चटाकेदार बन चुकी है। अब हम यहाँ पर सैलरी बनाएंगे, तो 2 चम्मच यहाँ पर मैदा ले लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा हम काला नमक डाल रहे हैं, ठीक है। आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा इसे चटाकेदार बनाना है तो इसलिए मैं यहाँ पर काला नमक का यूज कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा सा पानी अब ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ना इसकी जो है पतली, बिल्कुल पतली लेयर, बिल्कुल इसकी जो है कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके हमें चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, लम्स गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें
इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए। आप क्या करेंगे, ये आलू का जो पोर्शन है ना थोड़ा सा हम कट कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा छोटे बॉल में नींबू के साइज का हम यहाँ पर कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसे गोल कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सैलरी में डिप करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सैलरी में डिप कर लेते हैं। अब हम प्याज में इसे डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो प्याज में डाल तो दिया है मैंने भाई, देखिए अब हम प्याज इसके ऊपर से कोटिंग करेंगे। लेकिन कोटिंग करने से पहले ना आप इसमें नमक डालना भूल गए हैं, ठीक है। तो नमक आप जरूर से पहले ऐड कर लीजिएगा। मैं ये चीज आपको दिखाना चाह रही थी कि आपने नमक ऐड किया कि नहीं। तो आप अब यहाँ पर काला नमक भी थोड़ा सा यूज कर लीजिए, थोड़ा सा सादा नमक भी यूज कर लीजिए, दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो पहले आप नमक अच्छे से अब मिक्स करना है, क्योंकि अब जो है पानी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि जिस टाइम आप ना इसे बनाना शुरू करें बस उसी टाइम पे आप नमक आप डाल दीजिएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, प्याज के लच्छों के साथ ना इसे अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, ये बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल चिपक जाते हैं, नहीं खुलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो दूसरा भी पोर्शन हम लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर आलू की जो है बैटर जो है इस तरीके से हम हाथों पे गोल करेंगे। रफली गोल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम सैलरी में डिप कर लेते हैं और अब हम बिल्कुल आसानी से हम प्याज में डालेंगे और इसके एक प्याज की कोटिंग इसके ऊपर से अच्छे से हमने कर लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से जो है ना, ये प्याज में जो कॉर्नफ्लोर पड़ता है ना बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है। तो ये जो है टेस्ट बहुत दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कोटिंग कर लीजिएगा। तो मॉनसून का महीना है, बारिश में जब भी हो आप बारिश होना तो लगता है कि चटपटा सा हम खाएं, तो लेकिन ना ये रेसिपी ना बिल्कुल झटपट से बनकर के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस मौसम में आप जरूर से इस रेसिपी को आप तैयार कीजिएगा। टी टाइम बहुत बढ़िया स्नैक्स है, ये पकौड़े ना आपको बेहद पसंद आएंगे, आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी पकौड़े को बना करके रख लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल हाई रखिएगा, बिल्कुल हीटेड गर्म करिएगा और उसके बाद इसमें एक एक पीस करते हुए हम इसमें डिप करते हुए चले जाएंगे। तो हम इसे फ्राई करने वाले हैं, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इसे अच्छे सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें अभी कुछ भी टच नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसे हल्का सा नीचे से सिकने देंगे, उसके बाद इसे टच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा, थोड़ा सा प्याज निकल जाता है लेकिन कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे ना बेहद ही टेस्टी बनेगी, क्योंकि प्याज जो है बिल्कुल सुनहरा जब हो जाता है ना तो इसकी जो है ना टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से आप अलटते पलटते इसे हम हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अपना फीडबैक मुझे जरूर से दें और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसे हम इस तरीके से हम ऑयल को निकाल लेंगे साइड में करके और इसे हम अब निकाल लेते हैं। तो एक एक पीस करके हम निकालेंगे ताकि आलू जो है एक दूसरे से टच ना हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ पीसेस अभी मेरे पास रह गए हैं, तो इसे हम फ्राई कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए बहुत गर्म है तो मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।